चीन में आयोजित हो रहे विंटर ओलंपिक के पहले दिन जो है एक चीन से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने नाटो और अमेरिका को टेंशन में डाल दिया। दरअसल शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ नजर आए और मीटिंग के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वो दोनों एक साथ हैं और नाटो के विस्तार को मंजूर नहीं किया जाएगा। वहीं ताइवान को लेकर भी रूस ने संकेत साफ दे दिए हैं। अमेरिका के खिलाफ रूस चीन आए साथ। रूस ने ताइवान को चीन का हिस्सा माना। नाटो विस्तार पर चीन आया रूस के साथ। क्या अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या अमेरिका का सुपर पावर का दम अब खत्म होने जा रहा है? क्या अमेरिका से टकराने का रूस और चीन ने ऐलान कर दिया है? ये सवाल उस वक्त जिस वक्त अमेरिका और नाटो के साथ चल रहे तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंचे हैं। विंटर ओलंपिक में शामिल होने पहुंचे पुतिन ने यहां से अमेरिका और नाटो को बड़ा झटका दिया है। दरअसल शुक्रवार को अचानक से पुतिन बीजिंग पहुंचे थे। यहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा माना है, साथ ही ताइवान की किसी भी रूप में स्वतंत्रता के दावे को खारिज कर दिया है। माना जा रहा है रूस का यह फैसला ताइवान के लिए कई मुसीबतें खड़ी कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि रूस वन चाइना के सिद्धांत का समर्थन करता है। बदले में चीन ने भी यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका के साथ चल रहे तनाव में रूस का समर्थन किया। दुनिया की दो महाशक्तियों के इस मिलन से ताइवान और यूक्रेन का संकट और गहराने की आशंका है। इस दौरान चीन ने अमेरिका पे आरोप लगाया कि वह हांगकांग में दंगे भड़का रहा है, साथ ही ताइवान की स्वतंत्रता के मुद्दे को हवा दे रहा है। रूस ने भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन में संकट बढ़ा रहा है। पुतिन और जिनपिंग के बीच की मुलाकात के कई सियासी माने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि दो साल बाद पुतिन और जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई है और उस वक्त जिस वक्त दोनों देशों का अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है। पुतिन इन दिनों यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के विरोध पर अमेरिका समेत इस ग्रुप के सभी देशों से टकराने को तैयार है। पश्चिमी देश इस संकट को सुलझाने के लिए राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जिनपिंग ने उनसे एक रणनीति के तहत मुलाकात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन और रूस दोनों देशों से रणनीतिक संबंधों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन सीमा पर 1,00,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। अमेरिका को शक है कि रूस की मंशा यूक्रेन पर आक्रमण करने की है। उधर रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य टुकड़ियां तैनात कर आक्रमण का खतरा और तनाव बढ़ा रहा है। दरअसल चीन विंटर ओलंपिक का कम्युनिस्ट पार्टी शासन की उपलब्धियों के उत्सव के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और इसके जरिए चीन अपनी ताकत दुनिया को दिखाने में लगा है। मगर अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन का मिल जाना और खुलकर साथ आकर चेतावनी देना अमेरिका के लिए नया सरदर्द